चाहूंगी एडवोकेट विजय शर्मा जी से। विजय शर्मा जी, आप तो कहते हैं कि बहुत अमन चैन और सुकून है, फिर ललित अंबरदार जी की इस बात का क्या जवाब देंगे आप? साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि एक तरफ आतंकी घटनाओं का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों का ये दावा है कि आतंकी घटनाएं नहीं है और अगर हैं भी बची कुची तो उन्हें हम पाताल में भेज देंगे, ऐसा होगा क्या? और जैसा अभी ललित जी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं किया, क्या अनदेखी कर दी है? देखिए, ललित जी के साथ मेरी हमदर्दी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, ये पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है और हम इनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और हम इनको न्याय दिलवाकर रहेंगे। दूसरी, मैं बात करता हूँ, हम किसी धर्म विशेष की या जाति विशेष की बात नहीं करती। जम्मू कश्मीर सारा भारत का अभिन्न अंग है और आपने देखा होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने देखा है G20 का सफल आयोजन करके हमने पूरे विश्व को दिखा दिया किस तरह से जम्मू कश्मीर अमन की तरफ वापस आ रहा है, किस तरह से वहां शांति आ चुकी है, किस तरह से वहां पत्थरबाजी जो है लगभग खत्म हो गई है और 370-35 से खत्म करके हमने किस तरह से हमारे पहाड़ी गुज्जर और दूसरे तीसरी कम्युनिटी है बकरवाल, इनको आरक्षण देने का काम कर रहे हैं हम, किस तरह से जो 1947 के से आज तक हमारे वाल्मीकि भाइयों को आरक्षण नहीं मिला था, आरक्षण देने का काम कर रहे हैं हम, किस तरह से एक ही देश में एक देश दो विधान दो निशान किस तरह से चलते थे, 6 साल में यहाँ इलेक्शन होते थे, पूरे देश में 5 साल में होते थे, वो हमने सब सारा खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर का हमने वहां पे संविधान पूरी तरह से लागू किया जैसे कि देश के अन्य भागों में होता था। तो आप मुझे बताइए, आज आप कहीं भी अपनी धार्मिक सांस्कृतिक किसी तरह की झांकी निकाल सकते हो, लाल चौक पे लोग तिरंगा फहराने से डरते थे, आज वहां आपने देखा होगा जन्माष्टमी की झांकी निकलती है। इनके तत्कालीन होम मिनिस्टर शिंदे साहब कहते हैं कि मैं डरता था जम्मू कश्मीर जाने से, आज इनके जो है आपने देखा होगा राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां कैसे बर्फ से खेल रहे हैं। तो आज आप बताइए लोकसभा में 50% से ज्यादा वहां मतदान होता है तो ये किशोर इशारा करता है। अभी आपने खुद देखा है कि 9 बजे तक 11% के आसपास मतदान हो चुका है तो ये किशोर इशारा करता है। मैं ये कहता हूं, पार्टी कोई जीते कोई हारे, वहां लोकतंत्र जीता था, लोकतंत्र जीतेगा। DDC में हमारी 75 सीटें आई थी तो वहां BJP मजबूती के साथ खड़ी है और हमने जिस तरह का अपना संकल्प पत्र जारी किया है, हम सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे ने यही घोषणा की है कि हमारा जो 3 परिवार है वर्सेस 9 जवान, जिस तरह से हम उनको 10,000 रुपए देंगे, 3,000 ट्रांसपोर्टेशन के लिए देंगे ताकि वो कंपटीशन में आ सके, UPSC का कर सके, किस तरह से हम वर्ल्ड में जैसे मानचित्र में होते आप देखते हो स्विट्जरलैंड जाते लोग, इस तरह से गुलमर्ग में आए, हम हर्बल पार्क बनाएंगे किश्तवाड़ में, किस तरह से हम रिवर फ्रंट बनाएंगे जैसे अहमदाबाद में बनाए, किस तरह से हम महिला जो सबसे बड़ी महिला होगी उनको हम 18,000 रुपए साल का देंगे, 5 मरले जमीन फ्री में और उसके बाद में पक्का मकान भी बना के हम देंगे। तो आप मुझे बताइए ना, चिनाब नदी के ऊपर हमने सबसे ऊंची रेलवे लाइन बिछाने का काम किया है जो एफएल टावर से भी ऊंची है। तो भाई देखो, थोड़ा समय तो लगता है, धैर्य रखिए, ठीक है, सारे काम होंगे। आप कह रहे हैं, आपने जिन कामों को अभी गिनवाया है, आपने जिन कामों को गिनवाया है उन कामों की, ठीक है, वो काम ऐसे हैं जो चेंजेस दिखते हैं, जो बदलाव समझ में आते हैं वो लोगों ने महसूस किए भी हैं, लेकिन आपके दावों में मुझे तंज भी सुनाई दिया और आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हाँ जम्मू कश्मीर के लिए ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में तो मैं लिस्ट में ढूंढती रह गई थी कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम है क्या। यहाँ जम्मू कश्मीर में तो आपने अपने कैंडिडेट्स में मुस्लिमों को भी इंक्लूड किया है, हाँ यहाँ हम कह सकते हैं कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक बात विकास की या इस तरह के कंस्ट्रक्शंस की या नए मौक़ों की आती है तो फिर अलग अलग जो देश के हिस्से हैं वहाँ से वो खबरें भी सामने आती हैं कि दिल बड़ा दुखता है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में 960 करोड़ का हाईवे गड्ढों से भर गया, उधर गुजरात जहाँ पर 42 करोड़ का हाईवे तोड़ने में अब 52 करोड़ और खर्च होंगे, वो सड़कों की खस्ता हालत, वाराणसी में विश्राम गृह जहाँ पर आदमी आराम कर रहा था वो टूट कर उसी के ऊपर गिर गया तो जान चली गई, वो शिवाजी की प्रतिमा के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो जब ये भ्रष्टाचार की बातें होती हैं तो ये भी उजागर होता है और जब विकास की बातें होती है तो मन में सवाल आम लोगों के ये आता है कि कहीं ऐसा ही विकास तो नहीं होगा जो कुछ महीने या कुछ साल बाद ऐसे फिर खस्ता हाल हो जाएगा। मेरे साथ में मोहम्मद इमरान काजी साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं NC के।
इमरान काजी साहब, जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता विजय जी कह रहे थे, क्या उन सभी बातों से आप सहमत हैं? क्या बीजेपी ने वो मूल चूल परिवर्तन कर दिए हैं जो आप लोग पहले नहीं कर पाए थे? क्या आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद अमन चैन सुकून है? हाँ, पहले की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में परिवर्तन तो है, ऐसा आम लोग भी कहते हैं। पहले वो डर और खौफ था, वो लाल चौक के आसपास बड़ा डर रहता था, लेकिन आज लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। देखिए, जैसे हमारे बीजेपी का प्रवक्ता ने बोला विजय शर्मा जी ने कि आज लाल चौक में झंडा फहराया जाता है, वहां पे झंडा कभी आप हमेशा से देखेंगे, ये झंडा हमेशा लहराता ही रहा। इमरान काजी साहब, आवाज आ रही है? बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी वहां पे इस झंडे को, जब वहां पे दहशत का माहौल था, लोग घर से निकलने से डरते थे, सुबह लोग घर से निकलते थे, शाम को वापस आए नहीं आए। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात थी जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए मैदान में आई। दूसरी बात, इन्होंने अभी ललित जी को बोला कि इनके साथ इंसाफ होगा। आप पहले कश्मीरी, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को ये क्यों नहीं जवाब देंगे जिनको आपने इस्तेमाल किया पूरे हिंदुस्तान में, जिनका नाम आपने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अपने चुनावों में इस्तेमाल किया, उनके लिए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया जो आपने इमरान काजी साहब, आपकी आवाज बार बार चली जा रही है बीच में। आप ललित जी से पूछ सकते हैं, इस वक्त आज भी वही पॉलिसी चल रही है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई थी। आज भी वही पीएम पैकेज में वो नौकरियां भी फुलफिल नहीं कर पाए भाजपा के लोग जो कश्मीरी पंडितों के लिए रखी गई थी वहां पे। मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैं बदला हुआ हमें बताइए, जिस पुल की इन्होंने बात की वो हमारे टाइम में शुरू हुआ है। ठीक है, इसका जवाब विजय जी से लेंगे। आप मेरे को बताइए, लेकिन 370 लेकिन इमरान काजी साहब सिर्फ आप 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हाँ जी, बताइए। मुझे एक चीज बताइए, हम दे रहे हैं ना, हम हिसाब दे रहे हैं। हाँ, ये बताइए, पिछले 10 साल में जिस एम्प्लॉयमेंट का रेशो हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में हम 18वें नंबर पे थे मुल्क में, आज हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। यानी बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मसला है। ठीक है, एक एक करके सभी का रिएक्शन में ले लेती हूँ, उसके बाद में जो काउंटर आप लोगों को आपस में करना होगा कीजिएगा, क्योंकि मेहमान हमारे पास में ज्यादा हैं, तो एक एक करके सभी के पास जाएंगे। मैं विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी का रुख कर लेती हूँ। अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस और एनसी मिलकर मजबूत दावा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहुल गांधी का वहां पहुंचना और उनका भाषण कितना प्रभावित कर पा रहा है, और वो जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन, वो जो बारिश में राहुल गांधी का भाषण था, वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में इमोशनल स्पीच थी, वो सब कुछ रिकॉल किया होगा लोगों ने, और बेसिक जो आधार है वो क्या है इन चुनावों का? रचना जी, बेसिक आधार तो मोहब्बत ही है, और भारत में जिस तरह का भाईचारा और सौहार्द रहा करता था जम्मू कश्मीर 10 सालों के बाद शायद उसका अनुभव करने जा रहा है। और ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात बताती हूँ, ये कहते थे हर्बल पार्क बनाएंगे, 5 सालों में उन्होंने हर्बल पार्क का हवा भी शुरू नहीं किया, और अब बता रहे हैं, जैसे आपने काफी सारे उदाहरण दिए मध्य प्रदेश की सड़कों का, जिनको मैं भुगत के आ रही हूँ, जहां मैं रहती हूँ वहां जो 970 किलोमीटर का पैच है, पॉट होल्स है वहां पर, भ्रष्टाचार है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि 90 में से 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर वैली में तो 28 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे। मतलब साजिशों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं वहां। कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है वो लोगों को उनके लोकतांत्रिक हकों के लिए लड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर, जिसकी अर्थव्यवस्था एक समय सबसे बेहतर मानी जा रही थी केरल के बाद, उसको वापस उस मकाम पे पहुंचाने के लिए लड़ेगा। और ये तो देखिए कि जो पार्टियां, जैसे आवामी इत्तेहाद पार्टी जो है एक तरह से बीजेपी के समर्थन में, वो कहते तो कुछ और हैं, लेकिन जमाते इस्लामी जिसको सरकार ने बैन कर रखा है उसके साथ वो लड़ रहे हैं चुनाव। अक्सर ये पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी का सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार इंजीनियर राशिद और वो दोनों लड़ रहे हैं साथ में। ऐसे ही बीजेपी ने कई सीटों पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं जिससे वो दूसरे लोगों को चुनौती दे सके। लेकिन मुझे
जम्मू कश्मीर की आवाम पर, ना केवल जम्मू, मुझे कश्मीर और जम्मू दोनों की आवाम पर इतना भरोसा है कि वो इस तरह के छल कपट वाली भारतीय जनता पार्टी के साजिशों में नहीं आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है उसने कभी पूरा नहीं किया, तो इसीलिए शायद, क्योंकि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी 47 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कश्मीर में उसने केवल 19 सीटें चुनी है और 28 सीटें जो छोड़ दी हैं उन लोगों के लिए जिनके पीछे उसका हाथ है। तो वहां पर पार्टी जिस तरह की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश कर रही है, उस सबका संज्ञान लेते हुए वहां की जनता बहुत ही इन्फॉर्म तरीके से वोट करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जो जिसके मंसूबे हैं कि किसी तरह से 35 सीटें मिल जाए तो वो जो निर्दलीय होंगे उनके सहारे वो सरकार बनाएगी। ये तो बड़ा आरोप आपने लगाया, ये तो बड़ा आरोप आपने लगाया कि बीजेपी कह रही है कि सरकार भी बीजेपी